हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये कली वाला मल्टी कलर में टेबल क्लॉथ कह लीजिए या इसको आप थाल कवर कह लीजिए, बहुत ही प्यारा लेकर आई हूँ। आप लोग की रिक्वेस्ट पे फ्रेंड्स, आप लोगों ने कहा था हमें मल्टी कलर में राउंड शेप का ये आप लोगों को टेबल क्लॉथ या थाल पोस बनाना बताया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। इसमें मैंने देखिए सारे कलर का यूज़ भी किया है, बहुत ही प्यारा भी लगेगा ये बनकर आने पे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने 3-4 से लेके 5-6 डिज़ाइन अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से आपने कैसे शुरू करना है वो चीज़ मैं आप लोग को बता रही हूँ, जैसे हम आप शुरू से कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाले हैं, आप अपने हिसाब से फंदे ले सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाले हैं। इस डिज़ाइन को आप साड़ी से भी बना सकते हैं। तो 20 फंदे लेने के बाद हमने देखिए जिस भी कलर से आपने लेना है, यहाँ पे दो कलर आपने वेस कलर रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर पिंक और ब्लू कलर का ये देखिए लाइनिंग के लिए दो कलर रखे हैं, ये देखिए हमेशा लाइनिंग के लिए। तो आपने भी दो कलर वेस कलर रखना है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपने जिस कलर से फंदे डालने हैं उसी कलर से आपने दो सिलाई बुन लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पिंक कलर से सपोज दैट फंदा डाला था स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पे मैंने पिंक कलर बुन रही हूँ। पिंक कलर का हमने दो सिलाई बुनना है। ये देखिए पिंक कलर से हमने ये आगे की साइड से भी एक सिलाई बुनकर कंप्लीट करना है, पीछे की साइड से भी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 6 सिलाइयों की नीटिंग की है, 2 पिंक की, 2 ब्लू की और 2 फिर पिंक की। ऐसे ही आपने करना है। जैसे मैंने यहाँ पे पिंक कलर और ब्लू कलर को दो कलर वेस्ट कलर लिया है, तो आपने भी दो कलर कोई सा भी ले लें, एक लाइट और एक डार्क कलर, जिसको आपने हमेशा यहाँ पे लगाना है, तब हमारी ये कली बनना शुरू होगी। तो शुरू में आपने 6 सिलाइयों की नीटिंग कर लेनी है दोनों कलर से, ठीक है, उसके बाद ये हमारी डिजाइन बनेगी। तो चलिए पीछे से हम डिजाइन कली वाली ऊन लगाएंगे, जिस कलर के आपने बनाना है कली उसको हम पीछे से लगाएंगे। तो अब हम ब्लू कलर से कली बनाएंगे, तो यहाँ पर हम ब्लू कलर लगा लेते हैं, नीट करके हम आगे की साइड आते हैं। देखिए अब हम कली के पास आ गए हैं, कली बनाना है हमने ये। तो देखिए दोनों साइड से हम इसको उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। तो फंदा हमने ऐसे बढ़ाना है, आपको बताया ही है, हमने दो हिसाब से फंदे बढ़ाए जाते हैं, एक तो आपने ऐसे करके बढ़ाया जाता है। चलिए ऐसे ही बढ़ा लेते हैं, इसको हम नीट करेंगे। एक एक फंदे हमने 6 बार 6 फंदे हमने बढ़ाना है, इधर से एक एक हम फंदे बढ़ाएंगे और इधर से दो दो फंदे हमने छोड़ते हुए आने हैं। बहुत इजी डिज़ाइन है, आप इसे और ज़्यादा फंदे में बना सकते हैं। अगर आप साड़ियों में बना रहे हैं तो 20 फंदा आपके लिए सफिशिएंट है, यानी काफ़ी है। अगर आप ऊन से बना रहे हैं तो आप 40 फंदा रखेंगे तो आपका ये बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए हैं, बाकी के सारे फंदे को हम पलट कर बुन लेंगे। आगे की साइड से एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे 6 बार और इधर से हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए जाने हैं। तो ऐसे हमारी ये कली बनेगी, देखिए कितनी खूबसूरत। आप इसको 2 रंगों में भी बना सकते हैं। देखिए हमने फिर यहाँ से एक फंदे और बढ़ा लिए, ये देखिए जो बढ़े हुए फंदे आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर यहाँ से हम 2 फंदे और छोड़ेंगे, हमेशा हमने 2-2 छोड़ना है। सिलाई को अपनी साइड पलट लेंगे और सारे फंदे को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं इस डिज़ाइन को। तो कितना इजी है, आप इसको आपके घर में जो पुरानी साड़ियाँ पड़ी हैं, चुन्नी पड़ी होती है, दुपट्टा, तो उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। तो आप इसको 2 रंगों में बना सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे मल्टी कलर लिया है क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इससे पहले मैंने जो 2 डाली थी तो आप लोगों ने कहा था कि आप लोगों को मल्टी कलर में बनाया जाए। तो देखिए एक फंदे फिर हम यहाँ से बढ़ा लिए हैं, वैसे ही हमने ये कली कंप्लीट करना है। इधर से एक एक फंदे बढ़ाएंगे, उधर से 2-2 फंदे हमने छोड़ते हुए जाना है। हमने तब तक छोड़ना है जब तक हमारे यहाँ पे 6 फंदे बढ़ ना जाए। तो देखिए अब हमने यहाँ पे 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार छोड़ेंगे 2 फंदे और इसको ऐसे पलट लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 12 फंदे लिए थे। सॉरी अगर मैंने 20 गलती से बोला था, लेकिन यहाँ पे हमने 12 फंदे लिए और यहाँ पे हमने 6 फंदे देखिए बढ़ा लिए। 12 फंदे हमारे 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 हो गया ये फंदे, और यहाँ पे 1 2 3, 3 दूनी 6, तो 6 फंदे हमने बढ़ाने हैं। अब फंदे को हमने घटाना भी है, तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब फंदे हम एक एक घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, प्लस इधर से हम यहाँ से देखिए अब 2 2 फंदे हम बुनते हुए जाएंगे। इधर से हम 2 फंदे बुन लिए जो छोड़े थे। अब सिलाई को पलट लेंगे, ऐसी हमारी ये कली बने। सिलाई को पलटने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम पीछे से फिर हम बुनते हुए आएंगे, और फिर इधर से एक एक फंदे हम यहाँ से कम करेंगे। जैसे हमने बढ़ाया था वैसे ही हमने 2 फंदों का 1 कर करके देखिए ऐसे ही अब 2 फंदे यहाँ से हमने कम किया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इधर से हमने 2 2 फंदे लेते हुए जाना है लास्ट तक, हम ऐसे ही लेके। अब देखिए फिर हम ये 2 फंदे बुन लेंगे, फिर सिलाई को हम पलटेंगे, तो ऐसे ही हमारी ये कली बनेगी। यहाँ से देखिए हम ऐसे पलट के फिर इधर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कली बनकर कंप्लीट हो गई है। तो देखिए कितनी प्यारी बनकर आई है, ये देखिए। तो ऐसे ऐसे हमने ये कली बनाते हुए जाना है। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे बीच में सेंटर में हमारे यहाँ पे होल आएगा, तो इस पर आपने या तो कोई फ्लावर लगा देना है, या तो सुई से पीछे की साइड से आपने करके फिर इसको खींच देना, तो ये बंद हो जाए। तो देखिए कितनी खूबसूरत है। इसके बाद जब हमारी नेक्स्ट कली बनेगी, तो फिर हमने ये 6 फंदे का बुनना है। देखिए 2 सिलाई हम पिंक वाले से, 2 ब्लू से, 2 पिंक से, फिर हम नेक्स्ट कलर यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत है। ऐसे आप लोग ज़रूर बनाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।